Very good morning to all of you. Welcome to the class, and today's subject is Hindi grammar, and today I will teach you chapter number 3, Matraen. So let's start. Swar aur vyanjan do alag alag varn hai. Swaron ka prayog mool roop mein tatha vyanjanon ka sthan hota hai. Swaron ka mool roop mein prayog. Chote a se anar, bada a aam, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उपटन, बड़े ऊ से ऊन, र से ऋषि, छोटे ए से एक, बड़े ए से ऐनक, छोटे ओ से ओस, बड़े ओ से औरत, छोटा आ, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, तथा बड़े अंक की मात्राएं व्यंजन की दाई लगाई जाती है, मतलब व्यंजन के बाद लगाई जाती है. नेक्स्ट, स्वरों का प्रयोग जब हम व्यंजनों के साथ करते हैं तो इनके रूप बदल जाते हैं. बदले हुए इस रूप को मात्रा कहते हैं. जब भी हम स्वरों का प्रयोग करते हैं व्यंजनों के साथ तो इसके रूप बदल जाते हैं और उनके बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं. छोटा आ, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती. बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋषि, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ. मात्राओं के प्रयोग से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं. नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और समझो. दा ला दल, दा आ की मात्रा ला दाल, दा छोटी की मात्रा ला दिल, फा ला फल, फा ला बड़ी की मात्रा फली, फा बड़े की मात्रा ला फूल, पा रा पर, पा रा बड़ी की मात्रा परी, पा बड़े की मात्रा रा पैर, शा रा शर, शा बड़े की